मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक और शानदार पहल लोगों को रोजगार देने के लिए यूपी सरकार की आज पहल देखने को मिलेगी। आज से ऑनलाइन रोजगार संगम की शुरुआत होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ एमएसएमई सारथी पोर्टल लॉन्च करेंगे। ओजीओपी समेत चार योजनाओं को आज लॉन्च करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लॉकडाउन में रोजगार को गति देने के लिए पोर्टल की लॉन्चिंग की जाएगी। हरेंद्र चौधरी हमारे रेजिडेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, किस तरीके से इसे देखा जाए, एमएसएमई को लेकर कल जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताते हुए कहा था कि ज्यादातर यूनिट्स जो है एमएसएमई की वो उत्तर प्रदेश में है, इससे फायदा मिलेगा। आज इसी को लेकर टीम 11 के अधिकारियों के साथ चर्चा भी होगी और आज पोर्टल भी लॉन्च करने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए श्वेता, हम सभी ने देखा है कि योगी सरकार की जो मंशा है उत्तर प्रदेश को एमएसएमई हब बनाने की, और अगले 3 साल में एमएसएमई सेक्टर से ही 90 लाख से ज्यादा नए रोजगार पैदा करने का उनका जो उद्देश्य है उसी के चलते ऑटो मतलब बैंक लोन की एक शुरुआत हो चुकी है। 20 मई तक एमएसएमई सेक्टर से जुड़े जो नए निवेशक हैं, जो इसमें निवेश करना चाहते, अपने यूनिट की स्थापना करना चाहते, उनके लिए सर जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है उसके साथ सरकार ने बातचीत करके बैंक लोन की सुविधा उनको मुहैया करा रही है। इसके अलावा पोर्टल की लॉन्चिंग को भी उसी कड़ी में एक अगला कदम माना जाए कि सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है सरकार देना चाहती है, न सिर्फ एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग बल्कि जो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़े जो अलग अलग जो निवेशक हैं जिनके साथ जो है खुद एमएसएमई मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह की बातचीत जो है, जो देश से बाहर की जो कंपनियां जो हिंदुस्तान में आना चाहती हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में अपने यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहती है, तो उसको लेकर जो लगातार जो बातचीत जारी है उसी क्रम में इसको अगला कदम माना चाहिए। और जिस तरह से कल केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत देने वाली घोषणाएं करी गई, तो आज जब 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पे समीक्षा बैठक टीम 11 के अधिकारियों के साथ होगी, तो इस बैठक में इस बात पर भी फोकस किया जाएगा कि कल जो केंद्र की तरफ से जो घोषणाएं एमएसएमई सेक्टर के लिए की गई है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उसके क्या मायने और कैसे उसको और बेहतर किया जा सकता है। आज जो चार योजनाएं लॉन्च होने वाली हैं हरेंद्र, इसे लेकर थोड़ा दर्शकों को बताइए, सारथी पोर्टल ये कैसे फंक्शन करेगा, कैसे एमएसएमई के लिए ये कारगर साबित होगा ये पोर्टल? बिल्कुल, देखिए एमएसएमई सेक्टर के निवेश से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो इस पोर्टल पर मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि सरकार पहले ही सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कह चुकी है। तो एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी कोई भी यूनिट स्थापित करने के लिए जो अलग अलग विभागों के जो एनओसी जो आपत्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र की जो जरूरत पड़ती है उनके अलावा और जो जरूरी सुविधाएं और सेवाएं जो मुहैया कराई जाती है इस पोर्टल के जरिए होगा, तो सेंट्रलाइज किया जाएगा चीजों को और ये पोर्टल काफी मददगार साबित होगा ऐसे लोगों के लिए जो एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं। जी श्वेता, और ये ओडीओपी, देखिए ओडीओपी योजना हालांकि पुरानी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, एक जिला एक उत्पाद, और उसके पीछे सरकार की मंशा यही थी कि हर जिले की जो पहचान है जो वहां का उत्पाद है उसको खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे कहा है कि लोकल को ग्लोबल बनाने की अब जरूरत है, तो इस धारणा पे उत्तर प्रदेश सरकार जो पहले से काम कर रही है जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनकी ब्रांडिंग करके इसे कुछ दिनों के लिए हरेंद्र रोका गया था। खुद मुख्यमंत्री का कहना था कि क्योंकि कोरोना काल संकट काल शुरू हो गया तो हमें रोकना पड़ा। अब इसको भी लेकर ये योजना जो आज लॉन्च होगी तो इसको लेकर भी एक्शन प्लान तैयार होंगे कि किस तरीके से इसे आगे बढ़ाना, यही है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां थी उनको रोका गया था, और वजह यही थी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो एडवाइजरी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई थी उसको फॉलो करना था। अब चूंकि हमें इन तमाम जो एडवाइजरी को फॉलो करते हुए अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी गति देनी है, तो ऐसे में इन सभी को दोबारा से संचालित करने के लिए जो जरूरी कदम है और जो जरूरी इंतजाम और जरूरी मदद जो सरकार की तरफ से जो मुहैया कराई जा रही है उन सबको लेके बातचीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से टीम 11 के अधिकारियों के साथ की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।